नमस्कार, मैं प्रिया। साप्ताहिक रोजगार समाचार में आपका स्वागत है। आज रोजगार से जुड़े समाचार में हम आपसे बात करेंगे WCDC, RSM, SSB, CIL, IGIMS, CRPF, UBI, LHMC, SBI, HPSC, BPSM, ओडिशा हाई कोर्ट की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पटना बिहार की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर, मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, अकाउंट्स ऑफिसर, डेस्क ऑफिसर, सिस्टम एनालिस्ट, कैशियर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 17 है। जहां तक डिसिप्लिन की बात है तो लाइवलीहुड, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, माइक्रो फाइनेंस, कन्वर्जेंस, कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रोग्राम मैनेजमेंट, मार्केटिंग कम प्रोजेक्ट, लाइवलीहुड एंड IB। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास डिप्लोमा, डिग्री या PG इन रेलेवेंट सब्जेक्ट एरिया और साथ ही साथ अनुभव का होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से निकाले गए दिशा निर्देश के अनुसार उम्र सीमा निर्धारित की जाएगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है कि आपको इन पदों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 30 अगस्त 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप wdc.bihar.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSM SSB की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है असिस्टेंट फायर ऑफिसर, AFO, फायरमैन। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 629 है। जहां तक डिसिप्लिन की बात करें तो ये अभी फिलहाल साझा नहीं की गई है। वहीं शैक्षणिक योग्यता को देखें तो 10+2 या ग्रेजुएशन या फिर किसी समकक्ष डिग्री का होना अनिवार्य है। इसके साथ ही या फिर डिप्लोमा के साथ साथ अनुभव का होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 40 साल तय की गई है। वहीं एज रिलैक्सेशन जो है वो रिजर्व्ड कैटेगरी को जरूर दिया जाएगा। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC को ₹450, OBC NCL को ₹350, SC ST को ₹250 और वहीं करेक्शन चार्ज जो है वो ₹300 रखा गया है। इसके साथ ही अगर हम आखिरी तारीख की बात करें तो 16 सितंबर 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड CIL की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है मैनेजमेंट ट्रेनी, MT। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 588 है। जहां तक डिसिप्लिन की बात करें तो माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इंडस्ट्री, जियोलॉजी है। वहीं जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो BSc, BE, BTech, PG रेलेवेंट सब्जेक्ट में 60% अंकों के साथ होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा 30 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC को ₹1180 और बाकी सभी श्रेणी के लोगों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 9 सितंबर 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.coalindia.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGIMS पटना की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है जूनियर रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 124 है। जहां तक डिसिप्लिन की बात है तो एनेस्थीसियोलॉजी, चेस्ट एंड TB, ऑप्थेमोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, स्किन एंड VD, न्यूक्लियर मेडिसिन, जनरल इमरजेंसी, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, यूरोलॉजी सर्जरी। इसके साथ ही अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ऊपर दिए गए रेलेवेंट डिसिप्लिन में MBBS की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके साथ ही इंटर्नशिप का होना भी अनिवार्य है। वहीं अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम 45 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो EBC, SC, ST को ₹250 और बाकी सभी श्रेणी के लोगों को ₹1000 देना होगा। इंटरव्यू तारीख 1 सितंबर 2021 से 3 सितंबर 2021 तक तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो www.igims.org पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है पैरामेडिकल स्टाफ। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 2439 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, AR, BSF, CRPF, ITBP या SSB के होना चाहिए। उनके पास डिप्लोमा या डिग्री फार्मेसी में भी होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा 62 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 13 से 15 सितंबर के बीच में तय की गई है, जो कि इंटरव्यू की तारीख है। वहीं अगर हम आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो crpf.gov.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं।
इसके बाद अब हम बात करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 347 है। जहां तक डिसिप्लिन की बात है तो फिलहाल इसकी जानकारी साझा नहीं की गई है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बीई या बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या आर्किटेक्चर में या प्रिंट टेक्नोलॉजी में या ग्रेजुएशन या एमबीए या पीजीडीबीए या पीजीडीबीएम या सीए या सीएमए या आईसीडब्ल्यूए या सीएस या बी फार्मा का होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम 20 साल और अधिकतम 40 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस को ₹850, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 3 सितंबर 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.unionbankofindia.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एलएचएमसी दिल्ली की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है सीनियर रेजिडेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 142 है। जहां तक डिसिप्लिन की बात है तो एनेस्थीसिया, मेडिसिन, न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक्स मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, रेडियो डायग्नोसिस, रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी ऑप्थेमोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, टीबी एंड चेस्ट, पीएमआर, फोरेंसिक मेडिसिन, साइकियाट्री, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी, कम्युनिटी मेडिसिन और डेंटल है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास बीडीएस या एमबीबीएस या डीएनबी या एमएस या एमडी या पीजी डिप्लोमा या एमडीएस रेलेवेंट डिसिप्लिन में होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा 45 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को जो कि एससी एसटी के हैं उन्हें ₹300, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को ₹500 और पीडब्ल्यूडी को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इंटरव्यू की तारीख 9 से 27 सितंबर के बीच में तय की गई है। इसके साथ ही आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप lhmc-hosp.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्यूटी मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर और प्रोडक्ट मैनेजर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 68 है। जहां तक डिसिप्लिन की बात है तो मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर ओएमपी है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो एमबीए या पीजीडीएम या बीई या बीटेक रेलेवेंट डिसिप्लिन में होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अनुभव का होना भी अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 35 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूसी और ओबीसी को ₹750, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 2 सितंबर 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.sbi.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एचपीएससी की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। परीक्षा का नाम है हरियाणा सिविल सर्विस जुडिशियल ब्रांच। पद के नाम की बात करें तो ये सिविल जज जूनियर डिवीजन है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 256 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो बैचलर्स ऑफ लॉ का होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 42 साल तय की गई है। वहीं रिलैक्सेशन जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो है रिजर्व्ड कैटेगरी, उन लोगों को मिलेगा। इसके साथ ही अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो फीमेल को जो कि सभी श्रेणी की है और पुरुषों को जो कि एससी बीसी और ईएसएम के हैं उन्हें ₹250 देने होंगे और जो पीएच कैंडिडेट है जो सिर्फ हरियाणा के रहने वाले हैं उन्हें कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा और बाकी सभी पुरुष उम्मीदवार को ₹1,000 आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा। आखिरी तारीख 15 सितंबर 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो hpsc.gov.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे बिहार प्रशासक सुधार मिशन बीपीएसएम पटना की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है आईटी मैनेजर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो फिलहाल इसकी जानकारी साझा नहीं की गई है। अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बीटेक या बीई, कंप्यूटर में, साइंस में, आईटी में, एमसीए में होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 37 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों के लिए खुशखबरी है कि उन्हें इन पदों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 2 सितंबर 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप bpsm.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे ओडिशा हाईकोर्ट की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है जूनियर स्टेनोग्राफर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 29 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास ग्रेजुएशन और साथ ही साथ शॉर्ट हैंड जिसकी स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और टाइपिंग की स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 32 साल तय की गई है।
वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा और बाकी सभी श्रेणी के लोगों को 500 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में जमा करना होगा। आखिरी तारीख 4 सितंबर 2021 तक तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.orissahighcourt.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। रोजगार से जुड़े साप्ताहिक समाचार में आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।